बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं वाओ नी अपडेट टीवी में। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो ख़ास तौर पे उन मेरे भाइयों के लिए है जो इस टाइम यूएई के अंदर मौजूद हैं, दुबई के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि एक अफसोसनाक वाकया हुआ है, वो भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी एक मिनट की वीडियो में। अगर आप देखते हो तो आपका नुकसान नहीं होगा, हो सकता है आपका नुकसान भी हो जाए, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट मैं लाजमी करूँगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी दबा लीजिएगा। बहुत सारे दोस्त मेरे ये तो जानते ही होंगे कि आज से कुछ दिन पहले शेख हमदाद का इंतकाल हो गया था, लेकिन उसके बाद जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था दुबई हुकूमत की जानिब से, ये हुआ था कि 10 दिन के लिए शोक का ऐलान कर दिया गया है, कोई भी आतिशबाजी वगैरह नहीं करेगा। लेकिन दो बंदों ने फिर भी करी, जिनकी वजह से उनको डिपोर्ट कर दिया गया। अगर आप भी यूएई के अंदर किसी भी रियासत में रह रहे हो, खासतौर पर दुबई के अंदर रह रहे हो, तो आप लोगों ने कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी 10 दिन के लिए, वरना आप लोगों को भी डिपोर्ट वगैरह और जुर्माना वगैरह हो सकता है।